हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पेशावरी चिकन कढ़ाई। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो ये: हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट आपने अपनी मर्जी से डालना है। इसमें जो टमाटर डालेंगे वो 6 से 8 आप डाल सकते हैं, जितना आपको उसको बनाना, क्योंकि इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डलते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है गार्लिक, 4 ग्रीन चिलीज, 4 टेबलस्पून योगर्ट, दही और लेमन जूस या लाइम जूस कोई सा भी आप डालें, फ्रेश ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो 2 टेबलस्पून में डालूँगी। और सब्ज़ धनिया, और ये मैंने एक 1 होल चिकन लिया था, पूरा एक चिकन है, लेकिन आप इसमें इसका साइज डिफरेंट हो सकता है, तो ये तकरीबन 1 केजी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे, आपके पास जो भी पॉट है जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं सालन बना सकते हैं। तो ये हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, और कुकिंग ऑयल आपने अपनी मर्जी से डालना है, जितना आप लोग खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब हम चिकन को पहले फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अब ये देखिए, इसका पानी भी ड्राई हो गया और ये हल्का सा गोल्डन हो गया है ऊपर से। अब हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे, गार्लिक। हम हर चीज़ इसमें सेपरेट सेपरेट डालेंगे, लहदा लहदा से डालेंगे, ताकि इसकी हर चीज़ की खुशबू उसमें से आए। अगर हम इकट्ठा ही सारा कुछ डाल देंगे तो वो उसमें वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वो फिर खुशबू नहीं देते। अब लहसुन डालकर हमने इसे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। अब ये टमाटरों के साथ हम इसे भुनेंगे, पहले तो टमाटर इस तरह से सॉफ्ट होंगे, फिर इनका पेस्ट सा बनेगा और फिर हम इसे इन्हें भुनेंगे, और ये टमाटरों के पानी में ही चिकन जो है वो गल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप ये टमाटर बहुत सारा पानी छोड़ेंगे, इन्होंने कितना पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे: सुरख मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, जीरा पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। अब ये सारा कुछ डाल के हम इसे पकने देंगे, ताकि इन मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला जाए। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है, ये जो टमाटरों का पानी है, ये ड्राई हो जाएगा। ये देखें, टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब इतना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये योगर्ट जो है, दही जो है, इसको अच्छी तरह से फेंट के तो इसमें फिर हम डाल देंगे। योगर्ट डाल के अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि इसकी स्टीम बने और ये गोश्त अगर थोड़ा सा रह गया है तो वो गल जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। ये कलर एक्चुअली हमने टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा डाले हैं, इस वजह से भी इसमें कलर ज़्यादा होता है फिर। और आपने ये इसमें, आप इससे ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलता है, आपने नोट किया होगा हमने प्याज नहीं इसमें डाला, तो ये इतनी जल्दी और इतनी मज़े की ये बनती है। अब हम इसमें ये सब्ज मिर्चें डालेंगे, इसे आपने यूँ इस तरह से हाफ कट कर लेना है,
अगर खाते भी आप निकालना चाहें तो इन्हें निकाल सकते हैं। अब इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ये लेमन जूस है, वो हम डालेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसके ऊपर सब्ज धनिया यूं डाल के इसे दम पे लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें 2 मिनट इसको दम आ गया। इसमें सारे स्पाइसेस जो है उनका बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा इसमें। ये अब बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही चटपटी सी ये बनती है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोबारा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।